नमस्कार, गुड लक बैड लक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुबोध सुंदरिया। जल्द से जल्द अमीर किस तरह से बन जाए, इस वक्त इंसान के दिमाग पर बस इसका भूत सवार है। कम समय में पैसा कमाना आसान बात नहीं है, लेकिन किसी भी तरह से पैसा आए इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए राजी हो जाता है। भले इंसान को जोखिम भरे रास्तों पर ही चलना पड़े, कई मरतबा तो पैसों की लालच में इंसान को बड़ा खामियाजा भी झेलना पड़ता जाता है। मगर इन सब बातों को भुला कर आज हर कोई पैसे कमाने के पीछे भाग रहा है। इतना ही नहीं, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपने रिश्ते नातों को भी भूलते चले जा रहा है। परिवार से दूर रहकर शहरों में पैसे कमाने के लिए वो जा रहा है। इतना कष्ट झेलने के बाद भी आम आदमी उतने धन दौलत नहीं कमा पाता है। ऐसे में निराश होकर इंसान जुआ या फिर लॉटरी खेलों में दाव लगाने लगता है, क्योंकि इस तरह के खेलों में इंसान कम वक्त में मालामाल हो सकता है। सट्टा किंग, डीपी बॉस जैसे लॉटरी खेलों में मोटी कमाई करने का भी मौका मिलता है। इसमें थोड़ा निवेश करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इन खेलों को किस्मत का खेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भाग्य और संख्या के दम पर खेलना होता है। सट्टा को संचालित करने वाली कई सारी वेबसाइट है जिनके माध्यम से लोग इसमें अपनी हर रोज बाजी लगाते हैं। सट्टा किंग को ऑनलाइन के जरिए खेला जाता है और इसके परिणाम हर दिन घोषित किए जाते हैं। इसमें हर रोज एक नंबर पर बाजी लगानी होती है। इसी लक्की नंबर के भरोसे ही इंसान लाखों या फिर करोड़ों रुपए जीत सकता है। लेकिन सट्टा जैसे खेलों में रिस्क बहुत ज़्यादा है, लिहाजा सोच समझ कर ही इसमें निवेश करें। ऐसे में न्यूज़रूम पोस्ट भी सट्टा से संबंधित किसी भी खेल को प्रमोट नहीं करता है। फिलहाल 22 सितंबर के परिणाम सामने आ चुके हैं। जानते हैं कि शुक्रवार को गली दिशावर, फरीदाबाद, गाजियाबाद जैसे खेलों में दाव लगाकर कौन बना है मालामाल और किसकी नैया है डूबी। एक नज़र डालते हैं अब तक के विनिंग अंकों पर। गुडलक बैडलक में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे दोबारा, तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।